उनमें की जनता। अरे अरे चलो 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 पीछे पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो। भाई इधर भाई कॉर्नर पे कैसा लग रहा है? सेंटर सेंटर मुनावर भाई सो मच सेंटर सेंटर मुनावर इधर देखो भाई सेंटर लुक किस तरह की फीलिंग हो रही है मैं जानना चाहूंगा पहले। भाई ये फीलिंग अद्भुत है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। अरे लेकिन इसका ख्वाब इसका सपना जब मैं पहले दिन इस गेट से अंदर आया था तभी देख लिया था कि यहाँ से लोगों को देना है बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बदले में मैं यहाँ से ट्रॉफी लेके जाऊँगा। और भाई ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि लोगों ने इतना प्यार दिया और इतनी इज्जत के साथ बाहर निकाला। बस आप जब आए थे एक अलग इमेज से आए थे, नाउ यू आर गोइंग आउट ट्रॉफी हाथ में, किस तरह की फीलिंग होती है और क्या कुछ रिएक्शन आप एक्सपेक्ट करते हो? बस यही होता है कि आपको अरे ये भाई मोबाइल किसी को ना यार और सब इसको बहुत प्यार देना है यार, हमेशा की तरह जैसे आप सबको प्यार देते हैं इसको भी देते रहना। ये हमारा बहुत प्यारा बच्चा है। जब मैं शो में आया मैं नहीं बता पा रहा था कि मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ, पर मुझे पता था कि ये समीरा समीरा मैं इसको बोला था कि जब मैं जाऊँगा ना मेरे पास एक बहुत खूबसूरत चीज़ होगी हो गई ये क्योंकि हमेशा वो लोग पसंद आते हैं जो शो में जाकर उनकी जान डाल देते हैं। और उसने जान डाली है बहुत जल्दी हम साथ दिखते रहेंगे आपको और अभी कहीं और भी जा रहा करते हैं। अरे बाइट हो जाने दो यार भाई भाई बाइट होने दे भाई इधर देख के मेरा सवाल था जी जी क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हो? यही है कि आपको आपके 10 सेकंड या 20 सेकंड के काम को देखकर आपको मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है, लेकिन जब 24 घंटे सातों दिन आप पे कैमरा हो और वो जनता उसकी गवाह हो तब आप सही में क्या हो वो लोगों तक पहुंचता है। भाई सेंटर लुक मेरे नसीब में ये मौका लिखा होगा कि मेरे डॉट्स होंगे जिंदगी के, पहले मुझे मिसअंडरस्टूड किया गया और आज अगर इन्हीं लोगों ने इतना प्यार दिया है तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ दिल से। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे को ये मौका मिला अपने आप को प्रूफ करने का। मेरे पास बहुत डिफिकल्ट ऑडियंस था, हर आर्टिस्ट को ये मौका नहीं मिलता कि उसको एक डिफिकल्ट ऑडियंस मिले जिनका उन्हें दिल जीतना पड़ा। तो मेरे साथ ये हुआ कि एक ऑडियंस थी जो बहुत डिफिकल्ट थी मेरे लिए, बट मैंने वो किया है और मैं आगे भी करता रहूँ। डू यू बिलीव पीपल आर गोइंग टू सी यू इन अ डिफरेंट वे व्हेन यू गो आउट, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु वर सीइंग यू इन अ डिफरेंट वे। काफ़ी वो दो मिनट की वीडियो, आप जेल भी जा चुके थे, आप रियलिटी शो के जेल के विनर बन चुके हैं, ट्रॉफी हाथ में, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? वापस सवाल बोल दो जोरों में। मुनावर आपने मतलब कहीं अपने योर लाइफ इज वेरी मतलब आपने जेल में भी गए मोबाइल पीछे सपोर्ट किया एक सेक्शन, लेकिन क्या आप आगे की जो जर्नी है तो ये कॉन्ट्रोवर्सी से आप बच पाएंगे और अपने करियर में ज़्यादा फोकस रह गया? देखो कंट्रोवर्सी से ही नाम बढ़ाना होता तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं। हम दिन रात जोक लिखते हैं, ओपन माइक्स में जाते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ मैं, तो मुझे पता है वो व्हाट इट टेक्स टू मेक 100 पीपल लाफ टुगेदर, जिनका सबका डीएनए अलग है, जो सब अलग सोचते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है एक जोक लिखना। और कहीं होता है कि एक उम्र है, एक एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है, तो जो एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि मैं अपने काम से किसी का दिल दिखाऊं, तो डेफिनेटली मेरे काम से लोगों के चेहरे पे सिर्फ हंसी आई। मैंने एक चीज खो दी जो है मेरी ऑडियंस के साथ मेरा कनेक्शन, वो जो 24 घंटा सातों दिन मुझे जब देखते थे तो मुझे लगता है मैंने वो खो दिया। तो शायद वो भी अपसेट होंगे, बट मैं कोई ना कोई रास्ता चुन लूँगा
ढूंढ लूंगा उन तक पहुंचने का बहुत जल्द। अंजलि और आपकी दोस्ती काफी गहरी किस तरह से मैं एक चीज ये बोलूंगा कि अभी मैं बाहर जाऊंगा ना तो स्टैंड अप कॉमेडियन जितने भी है ना उन्होंने ये 2 महीने मुझ पे 10,000 जोक बनाए होंगे, बट मैं जब जाऊंगा मैं वो पढ़ूंगा और मैं खुश होऊंगा, बहुत सारे मीम्स बने होंगे मुझ पे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी वो लिया कि मैं एक इतनी फेमस पर्सनालिटी हूँ, मुझ पे जोक बनना वाजिब। तो हमारा ये होता है कि हम जब जोक बनाते हैं किसी फेमस पर्सनालिटी पे हमारा काम ईजी हो जाता है, एवरीवन नो द कॉन्टेक्स्ट, ये सब जानते हैं करना है कि जिंदगी में क्या चल रहा है, उसको मुनाफा भी ना जोक करना। तो उन्होंने बहुत प्रोफेशनली उस चीज़ को लिया, आई एम वेरी थैंकफुल एंड शी इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हर। अरे ट्रॉफी ओके अंजलि फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम अ वायरल रील टू लॉकअप के फिनाले, एक बहुत बड़ी जर्नी है, किस तरह से देखते हो ये जर्नी? ये जर्नी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। कैन वी स्टार्ट? लॉकअप की जर्नी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें लॉकअप की जर्नी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको मैंने बहुत अच्छे से ग्रैब किया है। ये मेरी एक लाइफ का एक नेक्स्ट स्टेप था जिसमें मेरे को सोशल मीडिया से हटकर अपनी पर्सनल लाइफ को शो करना था, मेरे को अपनी रियलिटी शो करनी थी कि मैं कैसी हूँ रियल में, हर एक इमोशन बैड गुड सब इमोशंस मैंने यहाँ खुलकर दिखाए हैं और जैसी मैं इंसान हूँ वो मैंने यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पर मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। एट द एज ऑफ 21 मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे, बहुत सारे अलग अलग लोग थे जो जिनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इस लॉकअप की जर्नी का पार्ट थी। कोई ऐसी बेस्ट मेमोरी जो आपके आपके साथ हमेशा रहेगी? यस, लॉकअप की बहुत सारी यादें हैं, टास्क करते हुए यार्ड एरिया की वॉक्स जो सबसे स्पेशल थी और बैरक्स का डन 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 जो सुबह उठाने आते थे गार्ड समय वो सबसे स्पेशल था, बिकॉज जब वो आते थे इतना इरिटेट हो जाते थे हम और सब ऐसे उठ के बैठ जाते कि यार फक उठना पड़ेगा। मुनावर और आपकी दोस्ती काफ़ी क्लोज थी, बाहर काफ़ी लोगों ने पसंद किया, क्या आने वाले समय में मुनावर और आपकी कोई ऐसा म्यूजिक एल्बम स्पेशली रील्स देखने मिलेगा? लेट सी, बिकॉज आई डोंट नो कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और ज़रूर ऑफकोर्स काम तो करना ही है, करेंगे ज़रूर। सीक्रेट टास्क की मैं बात करूँ, सीक्रेट टेलिंग टास्क, तो आपने एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया था, क्या आपके लिए बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था और अब बाहर जाओगे लोगों से फेस करोगे तो क्या चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? विच सीक्रेट? सीक्रेट टास्क वेयर यू टोल्ड दैट यू वेंट आउट दैट रशिया? या रशिया, करेक्ट। नो कमेंट्स। अंजलि, यू हैव वेरी गुड बॉन्ड विद मुनावर, कैसे आप देखिए आने वाले दिनों में किस तरह का आपकी जर्नी होगी मुनावर को, क्या आप आने वाले दिनों में क्या उनको डेट करेंगे? नो, इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप और अभी भी मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है और आने वाले वक्त में भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहेगा। लेकिन स्क्रीन में तो इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा था। नो, नथिंग। ओके, इसके अलावा जो मुनावर के अलावा ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनके साथ आप अच्छे बाहर भी आप बात करना पसंद? साइशा, मुनावर, मे बी पूनम। और ऐसा कोई कंटेस्टेंट जिससे बाहर आप मिलना पसंद नहीं करेंगे? पायल रोहतगी। अंजलि, सोशल मीडिया से लेके अभी आगे की क्या जर्नी होगी, क्या करना है आपने सोचा है आपने? मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि बाहर चल क्या रहा है। मैं अभी आप सबके पास आ गई, मुझे पता नहीं है बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो आप लोगों जिनसे मैं ब्लॉकअप से बाहर निकलते ही मिली हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि जो भी जर्नी होगी बहुत धमाकेदार
होने वाली है। नावर तो जीत चुके हैं। यस। तो कैसा लग रहा है, आपके ही कंटेस्टेंट है, मतलब दोस्त है, तो वो उतना जीतना क्या कहना चाहोगे? यह ही इज़ वेरी डिजर्विंग और जीता उतनी ही खुशी हुई मेरे को जितनी मैं, अगर मैं जीतती तो मेरे को भी उतनी खुशी होती। थैंक यू गाइस, कम अंजनी। अंजलि यहाँ पे, अंजलि अंजलि जी फर्स्ट कैमरा फर्स्ट चुप ना करो, अंजलि बच्चा बता, बच्चा बता। आप सब लोगों को पता ही होगा कि मेरी 10 साल की जर्नी रही है और मैंने पहला फोटोशूट तो अपना 14-15 साल पहले करवाया था, पर अब जो बॉम्बे की जो जर्नी है मेरी 10 साल लगे मैं यहाँ पहुँचने में। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एंड एम ऑल शाइन इंडिया का, ऑल्ट बालाजी का, एम एक्स तेर का जी, और हमारी जो मेरी जो मतलब भगवान विष्णु के अवतार में कहता हूँ एकता कपूर जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने आप को प्रूव करने का। और पिछला भी रियलिटी शो किया था मैंने, बट ये जो मेरा दूसरा रियलिटी शो है ये कैप्टिव रियलिटी शो है और कुछ नया सीखा है मैंने और कुछ चीज़ें अच्छी भी सीखी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी सीखी हैं कि भाई इंसानों को यहाँ पर कैसे जो गेम खेलते हैं लोग वो आपस में भी कैसे दोस्ती के पीछे छुरा घोंपते हैं पर उसको अपनी निजी ज़िंदगी में अमल नहीं करते हम लोग। तो और कुछ आप आपके सवाल जो भी आप पूछना चाहते हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, कितना मज़ा आया? हाँ जी ठीक है, ठीक है। हाँ जी शिवम, किस तरह से ये जर्नी को देखते, काफ़ी कमाल की जर्नी रही आपकी, स्टार्टिंग से मैं बात करूँ बहुत कुछ हुआ ये लॉकअप में, क्या कुछ कहना चाहोगे, सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था आपका? सबसे बेस्ट मोमेंट यार मेरा यहाँ पे जब मैं एंटर कर रहा था, जब भी चैलेंजेस जीतते थे, फर्स्ट डे ले लो और लास्ट डे भी ले लो, लास्ट डे तक हम लोग जीतते ही आए हैं, हारे भी हैं, बट वो इस लॉकअप का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको यहाँ पे जीतने की, अगर आपको यहाँ पे सुविधाएं चाहिए तो आपके आपको जीत के हासिल करनी पड़ेंगी। ये लॉकअप बाहर की दुनिया के जैसा ही है, ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, जैसे लॉकअप में आपको ऊपर बढ़ना है तो आपको जो आपकी कठिनाइयाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी, जो भी चुनौतियाँ आएंगी उनको आपने जीतना है तभी आप ज़िंदगी में ऊपर बढ़ते हैं, मेरा ये मानना है। ये लॉकअप भारी दुनिया का ही एक रियलिटी एग्जांपल है। शिवम मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब स्टार्टिंग में आपको बोले तब हमने कहा था कि कहाँ तक जाता है शिवम देखते हो और आज फाइनल में पहुँच गए, तो ये वर्ड से फाइनल की जर्नी को किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? तो इसको डिस्क्राइब क्या करना है यार आप लोगों को, मैं मतलब मैं बेसिकली मेरा जो मैं हूँ मैं एक एंटरटेनर हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जो आया हूँ पब्लिक को एंटरटेन करने आया था। ट्रॉफी का सपना तो हर इंसान देखता है पर वो जो जर्नी होती है ना वो सफ़र का मज़ा होता है, तो वो कहते हैं ना कोशिश करी, मैंने कोशिशें करी हैं कि भाई ज़िंदगी में ये ट्रॉफी को लेके ही जाऊँ, पर वो अर्ज़ करना चाहूँगा, कहते हैं ना कि ज़रूरी थोड़ी है पत्थर फेंको तो आम टूटे ही टूटे, कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती हैं, जाकिर भाई की शायरी है ये। और आप कुछ पूछो, करण कुंद्रा को ऐसे जेलर से क्या कुछ सीखा, किस तरह का बॉन्ड आपने शेयर किया थ्रू आउट द लॉकडाउन? बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर जिस दिन जब जेलर आते थे ना तब हम लोग वेट करते थे कि यार ये अब आए हैं ये कुछ ना कुछ गुरु मंत्र देकर जाएंगे, क्योंकि अब जो चीज़ क्योंकि पूरे हफ्ते हम लोग जो करते थे वो आके वेंडसडे को हम लोग अरीना में जाते थे तो हमें बताते थे कि भाई मतलब वो बताते नहीं थे वो हिंट्स देते थे कि भाई आपकी गेम में ये कमी है आपकी गेम में वो कमी है ये अच्छा कर रहे हो वो बुरा कर रहे हो, तो सारी छोटी छोटी चीज़ें और वो जब भी आते थे उनकी चीज़ें हमने बहुत बारीकी से सुनी है। बहुत ही अच्छे शख्स हैं यार, मतलब मैं लिटरली फैन हो गया उनका, फैन था ही अब और ज़्यादा प्यार हो गया मुझे उनसे। हाँ ये इस बंदे की फ़ोटो खींचा, ये कौन है मुझे बार बार मारा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, लाइक जैसे कि कहते ना कि स्टार्टिंग में एक एंटरटेनर अगर आता है तो उसको एक वेरिएशन, जैसे मैं निजी ज़िंदगी में बाहर हूँ ना, आशिक है शायर आदमी कैसा, आपको पता ही होगा शायर कैसे होते हैं, तो वो मेरा एक एक्सप्रेशन, मैं बहुत एक्सप्रेसिव इंसान हूँ और मैं अपने सारे एक्सप्रेशन अपने जो भी मेरी भावनाएं हैं मैं लोगों को प्रति व्यक्त कर देता हूँ कि भाई मुझसे कुछ छूट ना जाए जो मैं आप तक पहुँचा ना सकूँ, तो मैं कभी भी कसर नहीं छोड़ता, जो भी मेरे मन में होता है मैं वो मैं कर देता हूँ और कुछ बात नहीं। शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल हीरोइन, मतलब मेरी लाइफ की पहली हीरोइन है जिनके साथ मैंने इतने अच्छे लंबा समय तक काम किया है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, और मैं पूरे हफ्ते सच्ची बताऊँ तो मैं पूरे हफ्ते कोई भी कलेश नहीं करता था, कोई भी लड़ाई नहीं करता था कि भाई मुझे कल सैटरडे को मैम आएंगी और मुझे कुछ सुनना पड़ जाए, मेरी वजह से मैं उनकी जो मुस्कुराहट है वो फीकी ना पड़ जाए, तो बस इस वजह से मैं पूरे हफ्ते मैं शांत रहता था। मैंने कहा यार अपने को सिर्फ कंटेंट देना है, एंटरटेन करना है लोगों को, उनके मनोरंजन के लिए मैं आया हूँ, और शायरियाँ वायरियाँ जो भी सारे एंगल्स होते हैं
लाइक मैं अपना इससे ज़्यादा बेस्ट नहीं दे सकता था. अगर मुझे दोबारा लॉकअप खेलने का मौका मिले तो भी मैं ऐसे ही खेलूंगा. थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू गाइस. अंदर भी इंटरव्यू चल रहा है. वेरी गुड, किशन सही बोला, किशन सही बोल मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा बैड एस रही है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि कंगना मैम ने ऑलवेज मुझे कभी डांटा नहीं, हमेशा पॉजिटिव रही है. और एकता मैम से मुझे इविल आई लॉकेट भी मिला था जो मैंने अभी भी पहना है. तो मेरी ये जर्नी बहुत बैड एस और अत्याचारी रही है ऑब्वियसली, जैसे इस जेल का टाइटल था. तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रही है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ हर एक चीज़. सबसे स्पेशल और बेस्ट मोमेंट क्या था आपका लॉकअप में? मेरा सबसे स्पेशल और बेस्ट मोमेंट तब था जब एकता मैम ने मुझे इविल आई पहनाया, क्योंकि मैं कभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिली नहीं हूँ अपने लाइफ में. तो कंगना मैम को भी देखना और एकता मैम को भी देखना और एकता मैम से जो इविल लॉकेट मिला, आई थिंक मैं उसी दिन मुझे विनर वाली फीलिंग आ गई थी कि मैं लॉकअप जीत चुकी हूँ. शॉर्ट मैसेज में कि ज़्यादातर लोग छोटी हाइट वालों को कमज़ोर समझते हैं, स्पेशली लड़कियाँ. और मैंने आई थिंक ये सब जो जो किया है और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, छोटी हाइट की लड़कियों को लगता है वो इंडस्ट्री में आ भी नहीं सकती क्योंकि उनकी हाइट कम है. तो आई थिंक मैंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है सबको कि लड़कियाँ बहुत स्ट्रांग हो सकती है इवन आफ्टर फिजिकल वायलेंस. मैं बहुत स्ट्रांग रही हूँ, दूसरे दिन मैं खुश रह के वापस बैक टू नॉर्मल. तो आई थिंक मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही, मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहूँगी. जो भी मैसेज लोगों ने समझा है वो अच्छा ही होगा. तो हम बात करें तो आपके लास्ट शो से ये शो काफ़ी अलग है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगी? लास्ट शो में मेरे को सबसे पहले निकाल दिया गया था क्योंकि ऑब्वियसली मैं बैड एस हूँ, इतनी बैड एस गिरी लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई वहाँ पे. तो ये शो मेरे लिए परफेक्ट था जहाँ पे पब्लिक वोटिंग्स भी थी, जहाँ पे मुझे हाईएस्ट वोटिंग्स भी आई और मैं बहुत बार सेव हुई. तो ये परफेक्ट था क्योंकि मैं बैड एस हूँ और लोगों ने मेरे बैड एस गिरी को वोट किया. वहाँ पे पब्लिक वोटिंग्स नहीं थी, जो कंटेस्टेंट्स होते थे उनमें वोटिंग्स होती थी. तो ऑब्वियसली मेरे को सबके बजाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वहाँ पे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और यहाँ पे लोगों को पसंद आया. बाहर निकल के आप फ्लर्टिंग की, तो क्या उसको लेके आप क्या कहना चाहते हो? तो आगे क्या बोलेंगे आप, क्या कहना चाहोगे? थोड़ा आगे बाहर. अच्छा, बाहर आप आके किसके साथ दोस्ती रखना चाहते हो और किसके साथ नहीं? बाहर से पहले भी शिवम मेरा दोस्त था और आई थिंक शो के बाद भी मेरा शिवम दोस्त होगा. साइशा, अली, मुनव्वर, अंजलि, सबके साथ मैं दोस्ती रखूँगी क्योंकि मैंने जो पहले डैमेज किया था वो मैंने बहुत लास्ट डेज में रिकवर कर लिया था. तो आई थिंक मेरी सबके साथ अच्छी दोस्ती रहेगी. क्या आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, कोई क्या करने का इरादा है? इतने बड़े शो से आपको इतना बड़ा प्यार मिला है, व्हाट इज योर प्लानिंग फर्दर? जो भी होगा, जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा. मैं ज्यादा उम्मीदें नहीं रखती हूँ, तो जो भी होगा अच्छा होगा. क्या आपकी और जिशान की दोस्ती हम देख पाएंगे फिर से घर के बाहर? कभी भी नहीं. प्रीत भाई के लिए बोल दो ना. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.
प्रिंसिपल ओनली को जानता भाई नॉट मोर देन 5 क्वेश्चंस फॉर प्रिंस बट पीछे से मैच पीछे क्लियर करवा दे प्रिंस बहुत ही अच्छा शानदार अरे मैं यहां रुक जा रही हूं अरे रेडी हो गया अरे अरे इधर ना पीछे ना भाई अंदर करना है बाद में कर देंगे अंदर बाद में कर सकते हैं बहुत सारे अंदर कोई बात नहीं ठीक है 5-6 मतलब 7-8 तक दूंगा मैं प्रिंस भाई शुरुआत करना चाहूँगा आपने जब से एंट्री की है लॉकअप शो में कोई अलग ही चांद जब मेरे को ये शो ऑफर हुआ था तो करण ने मेरे को बोलता कि यार मैं बाहर से गेम खेल रहा हूँ अंदर से खेलने वाला कोई नहीं है क्योंकि सब एक साथ खेल रहे हैं तो ये प्लीज़ जाना है एंड ऊपर से एक का मैं उनको मना नहीं कर सकते तो मैं कंटेस्टेंट नहीं था पर मैंने कंटेस्टेंट बिलीव कराया कि मैं खिलाड़ी हूँ मैं खिलाड़ी नहीं था मैं सिर्फ उनकी गेम बदलने आया था गेम को ऊपर करने आया था क्योंकि मेरे को पता है गेम कैसे खेली जाती है तो वही मैंने किया सबको इंडिविजुअल किया ताकि सबकी गेम बाहर आए और जो हम हमेशा से करते हैं धमाल मचाते हैं वो मचाते हैं आपको क्या लगता है आपके आने के बाद सबसे अच्छी गेम किसकी बाहर आई आपके आने के बाद हाँ सभी की गेम बाहर आई है साइशा की गेम अच्छी हुई अंजलि की गेम अच्छी हुई मुनावर की मैंने और डिफिकल्टी के साथ और अच्छी करी तो सब पे मैंने मेहनत करी थी सबके लिए मैंने मेहनत करी थी क्योंकि मैं जहाँ से बाहर से शो देख के आ रहा था सब मेहनत कर रहे थे पर दिख एक ही रहा था तो मुझे था कि ये फेयर नहीं है एटलीस्ट विनर कोई भी हो पर दिखने सब जाएंगे तो मेरे अंदर आके गेम यही थी कि अपने आप को नॉर्मल दिखा के कि मैं कंटेस्टेंट उसके साथ इनकी मैं गेम बदलूँ और वो मैंने बदली तो सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था सर आपका बेस्ट मोमेंट अभी था जब मुनावर ने ट्रॉफी जीती सर करण सर आए तभी बहुत सारी चर्चा हुई तेजस्वी जी भी आए क्या कुछ कहा उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो बाहर से कुछ कहा आपसे बाहर की मैंने कोई बात पूछी नहीं ना मैं पूछता था क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अंदर हूँ भी अंदर की बात मुझे ज़्यादा जाननी चाहिए और क्योंकि बाहर की जब कितनी बातें सुनो तो माइंड डाइवर्ट होता है कि क्या चल रहा है तो मुझे था कि जब तक इस घर में हूँ मैं अपना काम करने आया हूँ मैं काम करके जाऊँगा इस शो ने अगर मुझे भरोसा देके बुलाया है तो ये शो को नंबर वन शो बनाने से क्यों बच सकते मुनावर की गेम आप सबसे ज़्यादा क्लूज आपने ही देखी है किस तरह की गेम उनकी लगती है बहुत दिल का आदमी है यार जिसके साथ बहुत कुछ हुआ होता है लाइफ में स्ट्रगल हुआ होता है वो जब से वैसा कुछ मौका मिलता दिखाने का तो वो पूरी दुनिया के सामने दिखा पाता है कि वो कितना सच्चा इंसान है और इसीलिए हम कहते हैं हमेशा हमारी दुनिया को कि हम बहुत जल्दी किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं तो दूसरी साइड की स्टोरी हमें नहीं पता होती तो वेट करा करिए कि कोई स्टोरी बाहर आए दूसरी साइड की भी स्टोरी वापस आए तो उसके बाद आप बोलने देते हैं जीशान का जो इविक्शन हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे वो बहुत सडन था हीट ऑफ द मोमेंट उससे वो गलती हो गई थी और वो गलती होती है हर इंसान हमारे में कितने इमोशन हम भी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं वो बुरा इंसान थोड़ी है वो बहुत अच्छा इंसान है वो बहुत प्यारा इंसान है तो गलती हुई थी उसने माफ़ी भी मांगी उसकी सज़ा मिली उसको वो शो से बाहर चला गया सर डू यू थिंक जीशान शुड डिजर्व अनदर चांस टू गेट उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए ना ये देखो क्या है कि हम गलत मैसेज नहीं भेज सकते हमारे इंडिया का रूल है कि कोई भी हिंसा नहीं कर सकता हिंसा के लिए वो बाहर गया था बट मैं फिर बोल रहा हूँ ना मैंने शो में भी बोला कि वो बुरा इंसान नहीं वो अच्छा इंसान है और शो के लिए जो भी बेनिफिट है वो ये मैं कंटेस्टेंट नहीं था सर आपको अभी सुना नहीं ना कंटेस्टेंट भी आप गए लेकिन क्या आपको सर मेरे को लगता शायद आपने देखा नहीं मेरे को टेम्पटेशन मिली थी कि अगर मैं इस शो में अच्छा करके जाता हूँ तो मैं और इनके शोज कर रहा हूँ जो बहुत जल्दी अभी आपको मैं बता दूंगा आपको मिल रहा है यस तो उसके लिए आया था और मेरे को लगता है चैलेंज बहुत पसंद है जब मुझे लगता है कि रियलिटी की बात होती है तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर रियलिटी है तो मुझे जब भी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो मैंने उसको निभाया और मेरे लिए कोई काम नया पुराना और छोटा बड़ा नहीं है मुझे लगता है कि ये सुपर हिट शो है और हम सब ने मिलकर इसको बनाया आप सब ने इसको मिलकर बनाया दैट्स अ रीज़न कंगना जी के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरह की थी क्या कैरेक्टर बहुत ही अच्छी थी बहुत अच्छी थी और कंगना मैम बहुत ही प्रोफेशनल है जब भी स्टेज पे आते हैं वो बहुत ही तरीके से बात करते हैं सबसे सबको मोटिवेट करते हैं हो गया खतरों के खिलाड़ी में आने वाले हैं अरे यार अभी मेरे को वो नहीं पता पर मैं वैसे ही थैंक यू गाइस थैंक यू कौन जीतता है करण भाई आपका फेवरेट पीछे देखो या लुक हियर मैम लुक हियर
हो गया भाई, हो गया दादा, हो गया भाई, रो तुम लोग भाई, भाई रो सर, यहाँ पे आ, वेट 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 वेट, या बस बस, यस सर, सर होल्ड होल्ड होल्ड, ये सीजन जिस तरह से आप देखते हो, आप क्लोजली फॉलो किए, आप अंदर भी जा चुके, क्या कुछ कहना चाहिए? आई थिंक बहुत चैलेंजिंग शो है, जेल में रहना एंड ऑनेस्टली इस सिचुएशन जैसे सिचुएशंस में ये रहे हैं, मैंने उनके बेड्स वेड देखे, वॉशरूम देखे, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी इजी शो, आई थिंक इट्स अ वेरी चैलेंजिंग शो, और मुझे लगता है कि जो भी टॉप 5 है बहुत डिजर्विंग है, और बहुत अच्छे से खेले हैं, एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग शो. यू रिसेंटली एंटर्ड द लॉकअप हाउस एज अ वार्डन, एंड कितनी आपकी मेमोरीज रिलीव हुई? आई थिंक इट वॉज अमेजिंग बींग द वार्डन, स्पेशली अलॉन्ग विद द जेलर करण, एंड बहुत मज़ा आया. आई थिंक वो एपिसोड बहुत मज़ेदार था, हमने बहुत बात की, और अच्छा लगता है. आई थिंक ऑब्वियसली मेमोरीज थोड़ी बहुत ताज़ा हुई, बट एट द सेम टाइम इट वॉज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि इस बार मैं दूसरी साइड पर थी और मैं अंदर आके लोगों को पूछ रही थी वो उनका खेल कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो ऑफकोर्स इट वॉज़ सिमिलर, लाइक मेमोरीज ताज़ा हुई, बट एट द सेम टाइम बहुत अलग. If you were in the show, do you think you would have won this? Yes. Okay, so yes, you have followed this show very closely. So who are your top 3 contestants and who do you see as a winner? I cannot answer that because मैं भी इस शो का हिस्सा रही हूँ, भले फिर वो थोड़े से टाइम के लिए क्यों ना हूँ रही हूँ, पर एज अ वार्डन आई डू फील लाइक अ पार्ट ऑफ द शो, और इस वजह से मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती. इस शो के जेलर आपको कैसे लगे? इस शो के जेलर बहुत अच्छे हैं, और जेलर जैसे नहीं है, आई थिंक सब उनको उनसे एज अ जेलर की तरह डरने से ज़्यादा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, विच इज़ सो ऑब्वियस, लाइक एवरीबडी लव्स करते हैं. गाइस लास्ट क्वेश्चन, आल्सो फेवरेट कंटेस्टेंट की अगर बात करें तो कौन रहा है? मैं उसका जवाब नहीं दे सकती, आई थिंक सभी बहुत अच्छे से खेले हैं, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि एंड में हमेशा एक ही विनर होता है, पर जर्नी सबकी उतनी लंबी होती है, सो मुझे सभी कंटेस्टेंट, सभी कैदी बहुत अच्छे लगे. एक छोटा स्टेज एज अ वार्डन, बट क्या फ्यूचर में हम होस्टिंग करते हुए देख सकते हैं आपको? कितना मज़ा आया उस चीज़ का? आई थिंक एज अ होस्ट मुझे बहुत मज़ा आया, इट वॉज़ अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, मैंने इससे पहले कभी होस्ट नहीं किया है, पर जिस तरह से अप्रिसिएशन मिला है, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल कि लोगों को अच्छा लगा, स्पेशली मुझे लगता है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एज अ होस्ट था. करण का साथ मुझे बहुत हेल्प किया है, तो ऑफकोर्स इट वॉज स्मूथ बिकॉज ऑफ हिम. मैम, वी सॉ योर जर्नी इन बिग बॉस, लास्ट क्वेश्चन, यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी आता था आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, डू यू थिंक यू आर इज प्लेइंग द सेम टाइप ऑफ गेम व्हाट यू हैव प्लेड? आ जाना पूरा बॉडी चलो. मुझे नहीं पता कौन मेरी तरह इस शो को खेल रहा है या जो भी टीवी के, ऑनेस्टली आई वॉज माई सेल्फ, और ऐसे शोज में आप किसी की तरह होने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा टाइम तक कोई कर नहीं सकता.
कैमरा पकड़ लिए. थैंक यू. विल जस्ट डू वन फुल लुक एंड पिक्चर. हां अरे नीचे बैठा हो तो अभी क्या मनोज मनोज चिल्ला रहा है. रीजा जी देखो. रीजा जी सेंटर. शायद रीजा जी थोड़ा पीछे हो ना. अरे साहब अरे पीछे. अरे क्या कर रहे हैं थैंक यू. थैंक यू. My journey as a jailer has pretty much been a roller coaster ride. Emotional, sometimes high, sometimes low. I've had to take a lot of tough decisions. Sometimes I had to come at 1:32 in the night and sort things out. But as we said, we had the best contestants as caddies, and I think that's what made the show. It's always about, you know, the soul of the show has always been the contestants, and well, you know, when you work with them, be it roadies, be it Love School, I've always had this connect with all the contestants, and that's also again what happened here. But this was a lot more hardcore. Also for the contestants and also for the back end team, and I'd like to thank you know, the crew as well, from the you know, all these mirrors that you see are all camera based, and you know, from the cameramen to the people who used to get food, to the editors and last minute things, to the makers, to the creatives, to the, you know, everybody, they've done a fantastic show, and that's why we are number one. Karan, who do you see as a mastermind of this jail? Mastermind of this jail was very clearly Munawar. I think a lot of people would have the same opinion, because the way he would understand situations and you know, use them for his advantage, you know, clearly, you know, sort of put him aside from all the other games that were being played. It's very easy to copy a game, but it's very difficult to have your own sort of standing, and to have your own, you know, very clear distinction of who you are. So I think for me, that was Munawar, who played very smartly. And at the same time, Payal was also a fearless sort of a player. And, you know, she's throughout played with courage. And, you know, a lot of times she was hated. But, you know, Payal being Payal, she never cared about it. And how was the transition from a contestant to a jailer? I think it was a transition from being a judge to a contestant to a jailer. I don't think I would ever want to be a contestant again, because I don't know what it was for me. But I am very, very glad and proud that, you know, I was behind the scenes on this show. I now realize that, you know, अंदर जो हम कर रहे होते हैं, like when I was a contestant, हमें नहीं पता होता कि इन चार दीवारी की बाहर कितनी मेहनत हो रही होती है, एंड क्या क्या किया जाता है, यू नो, एक टेलीकास्ट निकालने के लिए और एक जर्नी क्रिएट करने के लिए. एंड नाउ दैट आई हैव सीन दैट पार्ट, आई थिंक आई एम बेटर ऑफ बिहाइंड द वॉल्स. व्हाट डू यू बिलीव मुनव्वर हैज द बेस्ट चांस ऑफ विनिंग दिस शो? आई थिंक एवरीबॉडी हु इज इन द टॉप 5, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन, अभी वो गया है कि नहीं गया, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव रीच्ड द फिनाले हैव हैड द बेस्ट चांस of winning Lockup season 1. But at the same time, you know, Lockup is not like any other show. Lockup is a very different concept, as you already have seen, and that is why we, you know, raked in the kind of numbers that we raked in. So, well, I know, because the finale is already over. You don't know, so keep guessing. Karan, what really was the most about being a jailer? Who was my personal favorite? Okay, so, as I said, do we come here? Okay, so this, I don't think, see, again, as you know, I've had so many friends inside the show. I've had so many enemies also inside the show who've actually battered me when I was in another show. But I've gotten a lot of love from everybody because they've understood what I came in for. I came in for, you know, I was always very selfless, and we were only about them.
and it's a beautiful feeling when you only go inside a show and you're not doing anything for yourself. You know, you're not competing. You're only providing them with the kind of direction and the kind of sort of balancing act. Sometimes you don't know, you stray away from the correct direction, and it was always playing on my mind. कि यार ये गलत जा रहा है, इसके पास ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है. आई यूज टू ऑलवेज कम इन अपने तरीके से. अलाउड नहीं होता था, बट आई नेवर केयर. सो या विच वॉज माई बेस्ट मोमेंट, आई थिंक मेरी बेस्ट मोमेंट वही थी जब विनर अनाउंस हुआ लॉकअप सीजन 1 का. आई थिंक एक लंबी जर्नी है सबके साथ. बहुत सारे मोमेंट्स थे, बहुत सारा कभी हम खुश थे, कभी हम गुस्से में थे, कभी हम इमोशंस जो है इट जस्ट केप अप एंड डाउन. सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू टेक आउट वन मोमेंट, बट यस आई थिंक व्हाट विल आई मिस द मोस्ट, व्हाट आई विल मिस द मोस्ट इज दिस फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज नाउ आई एम नॉट वॉचिंग लॉकअप एज जस्ट समबडी हूज गेटिंग एंटरटेन फ्रॉम इट. आई एम वॉचिंग लॉकअप एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज I sort of have to guide them. I sort of have to make sure that what they don't go stray away from their direction. And sometimes they make mistakes. It's always nice to have somebody who has a better perspective to come and tell them what the mistakes was. And I think that part of the format was really nice. I'm gonna miss that. I'm gonna miss. Thank you. One last question. Yes. I think जब तेजस्वी एंटर हुई तो मैं भूल गया कि मैं जेलर था. देखा था जैसे कि अभी मैं अगेन थोड़ा वो गया हूँ. बट आई थिंक इट वॉज अ लॉट ऑफ फन. हम लोग बिग बॉस में एक साथ थे, कैमराज थे जो अभी शायद नहीं उतार लिए गए, और इट फेल लाइक दैट. बट द बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट वॉज कि मैं भूल गया कि मैं जेलर हूँ, और कंटेस्टेंट्स जो हमारे कैदी थे उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, भाई आप तो मतलब जेलर ही नहीं लग रहे हो अभी, एकदम से आप करण कुंद्रा बन गए हो. बट या आई थिंक इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज ब्यूटिफुल, एंड थैंक्स टू हर टू हैव एक्चुअली टेकन आउट टाइम एंड हैव. थैंक यू गाइस. अरे मोबाइल है, मोबाइल ये चाइना फोन सबको जमा करना पड़ेगा. थैंक यू करण, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार. मोबाइल बस सर, बस अभी अंदर ही रहना, बाहर में जाना. मुझे तुम सबसे बहुत ज्यादा बातें करनी है.